बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा 9 दिन के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें एक भाजपा नेता का नाम भी शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर भाजपा नेताओं पर भाजपा विधायक की तरफ से मुकदमा लिखाने और भाजपा पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर विधायक सुरेश्वर सिंह ने अब सफाई दी है और आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि आगामी उपचुनाव में पार्टी की जमानत बचाने के लिए अखिलेश यादव फर्जी आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया, तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था, और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्सिडीज में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है।